तो अपनी इस खूबसूरती के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? इसका क्रेडिट मेरी स्टाइलिस्ट को जाता है, अनुराधा एंड निधि, और हेयर मेकअप को, जिन्होंने आज इतनी खूबसूरती से मुझे तैयार किया है. प्रिंसेस वाली फील आ रही है पूरी विद द होल आउटफिट. और साल का पहला ऐसा सेलिब्रेशन है तो एक्साइटेड बहुत. मतलब कि भाई गुड न्यूज़ तो गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए. ये मैंने पिक किया है, ये मेरी चॉइस है, बाकी मेरी स्टाइलिस्ट ने किया है. और हाँ, जैसे कि आपने कहा कि इस साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ हमारा शो था, हमारी वाली गुड न्यूज़, राइट. और उसके अलावा ऑडियंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, जूही जी और शक्ति सर भी परफॉर्म कर रहे हैं, और हम नॉमिनेटेड है, जूही जी शक्ति सर नॉमिनेटेड है. तो आई थिंक हम सबकी एक्साइटमेंट क्लाउड 9 पे है, और लेट्स होप अवार्ड हमें लेके जाएगा. Let's hope for the best, yeah, please. अगर कहा जाएगा इनकी तारीफ में कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी प्यारी लग रही है आज ये. प्यारी तो ये बचपन से प्यारी है, बचपन से आज कुछ ज्यादा प्यारी लग रही है. सो देयर्स कुछ ज्यादा, एंड ऑब्वियसली शी इज गॉर्जियस, सो वेरी हैप्पी टू हैव हर. क्वेश्चन की इस कोरोना में सभी ने कुछ ना कुछ काम किया, आपने क्या काम किया? Oh God, और ऐसा जो काम किसी को नहीं पता हो लेकिन आप हमारे साथ शेयर करना चाहें. एक तो सबने यू नो क्लीनिंग कुकिंग वो तो सबने किया. दो चीज़ें मैंने की, जो एक ये कि मुझे ना स्केचिंग का बहुत शौक है, जो काम की वजह से छूटा हुआ था, तो मैंने स्केच करना शुरू किया फिर से. मेरे इंस्टाग्राम पे है अगर लोगों ने देखा होगा. उसके अलावा मैंने मेडिटेट करना शुरू किया. सब बिन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी सिंस द लॉकडाउन. आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आई थिंक मैंने बहुत ग्रो किया है उसके वजह से. सॉरी, इनके मेडिटेशन से मुझे बहुत ज़्यादा मैं मेडिटेट हुआ, बिकॉज कोविड में काफ़ी काम, आप जानते हैं, हर चीज़ें रुक गई थी, प्लस आई हैव अ बिजनेस ऑल्सो, तो काम रुक गया था, सो बहुत सारा प्रेशर रहता है. बट जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी चीज़ें सही हो गई. प्लस कोविड में मैंने मेरे जो पुराने टैलेंट्स थे जो मैं छेड़ नहीं जाता बिकॉज ऑफ माई वर्क, लाइक आई एम ऑल्सो ए म्यूजिशियन, तो मैं म्यूज़िक पे काम करना चालू कर दिया था. एंड आई यूज टू राइट म्यूज़िक बिकॉज म्यूज़िक इज़ ऑल्सो स्टोरी, सो उस हिसाब से, सो दैट्स व्हाट इट वॉज. या हमारे परफॉर्मेंसेज भी हैं, हमारे इन लॉज के, मेरे इन लॉज के भी परफॉर्मेंसेज हैं. हमारा शो नॉमिनेटेड है, हम दोनों, हम चारों नॉमिनेटेड हैं. तो एक्साइटमेंट तो क्लाउड 9 पे है, और बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस अवार्ड्स की, वो ये है कि हम, क्योंकि हमने इतना कुछ मिस किया है 2020 में, हम पूरा साल एक रात में मना रहे हैं, विच आई थिंक इज सो स्पेशल. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. एग्जैक्टली, बस घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड घर पे बैठ के हमें देखिए, अवार्ड्स देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एंटरटेन कर पाए. ये अवार्ड्स भी एक उसी की कोशिश है, एंड आई होप आप सब हमारे इस एक दिन के त्यौहार में शामिल हों और हमारे साथ सारे त्यौहार मनाएं. मेरा परफॉर्मेंस बहुत ड्रीमी सा है, दैट आई कैन टेल यू, एंड इट विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर द ऑडियंस. मेरी परफॉर्मेंस विजुअल ट्रीट ऑब्वियसली, एंड काफ़ी फास्ट पेस्ड है, एंड ऑब्वियसली आप सब लोग पसंद करेंगे.